एक्चुअली मेरे बेटे की फिल्म भी आज रिलीज हुई है, तो उसका प्रीमियर था, तो आई टू गो देयर माय सन सिद्धांत कपूर, तो मैं माफी चाहता हूँ मैं लेट हुआ हूँ, मुझे क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। जीना इसी का नाम है, मेरे ख्याल से यही नाम है, मैं एक बार ही देख लू। Mentor Padma Shri Anup Jalota ji is here to launch and give his blessings, and Shyam Singhania ji is also here, and Atrish is also here, and I'm very happy that all are here to give their blessings and wishes. So I think you should say something about your experience. Yes. Hi everyone, main hu Leslie Tripathi. I am in the role of Rita, and Rita is just another girl jiske bahut sare sapne hain, but mummy papa ke pressure se उसको बहुत सारे सपने त्याग करने पड़ते हैं, एंड देन उसका लाइफ कभी ज़्यादा खुशियों भरा नहीं रहा, एंड शी इज़ इन अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, आप देखोगे तो जानोगे, बहुत रोना रोना है, एंड जेम्स सर ने बहुत अच्छा एक्शन सीक्वेंसेस दिए हैं फिल्म में, तो आई वाज लाइक एंजॉयिंग वॉचिंग द फिल्म वाइल एक्टिंग, एंड मेरे साथ को स्टार्स रहे हैं, दे आर सुपर, आई एम सो हैप्पी कि मैं मुझे मौका मिला सबके साथ काम करने का। गाने बहुत अच्छे हैं, आपने देखा जीना यहाँ ये गाना फिल्माया गया है, और लाइक संग बाय अलका याग्निक जी, इट्स ब्यूटीफुल, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा जेम्स सर के जो कैरेक्टर्स होते हैं लीडिंग हीरोइंस का, बहुत प्यारा कैरेक्टर्स रहते हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग, दे आर बोल्ड, एंड उनके डायलॉग्स बहुत अच्छे होते हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी टू वर्क इन द फिल्म ऑफ जेम्स जॉन सर एज हिज एक्ट्रेस इन द फिल्म। थैंक यू जी। आप जी मैं ज़रूर बताऊंगा, मैं बड़ा खुश हूं, बहुत आई एम वेरी वेरी हैप्पी। सबसे पहले तो अनूप जी का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि मैं अनूप जी जब का एक भजन था, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो मैं इतना अच्छा लगता था, और मैं सोचता कि यार इंसान से कब मिलूंगा, लेकिन कमाल क्या हो गया, इनसे एज एन एक्टर मेरी मुलाकात हुई, सत्य साई बाबा। सर आप एक्टिंग कर रहे हो मुझे बहुत अच्छा, मैं तो आपका फैन हूँ सिंगर। तो फिर अनूप जी के साथ मैंने एक दो फिल्में की, एक फिल्म और फिर की, तो वेरी हैप्पी है ही इज़ हियर। और दूसरी बात तो मैं जेम्स बारला जी को मैं बहुत बहुत मुबारक दूंगा, और मैंने कहा कि मैं खुश क्यों, खुश इसलिए हूँ कि ये फिल्म रिलीज हो रही है यार। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि इतनी सारी फिल्में बनती हैं रिलीज़ नहीं हो पाती है, थिएटर तक जा नहीं पाती हैं, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ एक फिल्म को रिलीज़ करना एक बहुत बड़ी बात है, आप फिल्म बना तो लेते हैं लेकिन फिल्म को थिएटर तक लाना बहुत 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 मुश्किल होता है। तो जेम्स आपको सबसे पहले मैं मुबारकबाद दूंगा कि भैया, और ये दुआ करूंगा, और ख़ास करके मीडिया के दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप जितना ज़्यादा, क्योंकि एक आप एक ऐसा माध्यम है, मीडिया ऐसा माध्यम है जो कि लोगों तक इस फिल्म को पहुंचाता, कोई भी चीज़ हो, कोई भी क्रिएटिव चीज़ हो, उसे मीडिया तक पहुंचाता है, तो आप प्लीज़ इस फिल्म को जितनी मेहनत से, आज काफ़ी पहले मुझे जब जेम्स साहब का फ़ोन आया तो मैं थोड़ी देर के लिए, मैंने कहा जेम्स साहब क्या कौन सी फिल्म थी, मेरा रोल क्या था, मैं खुद भूल गया था, इन्होंने बताया आपने के पी शर्मा का रोल किया था एज वसूली भाई, हाँ, मैंने कहा हाँ यस ये याद आया, तो थोड़ा सा काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन मुझे खुशी है कि फिल्म रिलीज़ हो रही है, तो आई विश ऑल द बेस्ट फॉर दिस फिल्म। लेज़ली ने बहुत अच्छा काम किया, मेरे दोस्त इसमें सुदेश बैरी हैं, घनश्याम हमारे दोस्त एक्टर, उन्होंने भी एक अच्छा किरदार किया है इसमें, तो बस मेरी दुआ है, मेरी प्रार्थना है कि लोग इसे देखें, पसंद करें, और फिल्म अच्छी चले, तो सफल हो उसकी कामना जेम्स साहब की, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। रॉकी के बारे में ये है कि एक लड़का है, उसको पालती है, उसको एक जॉन करके करेक्टर है, जॉन वो उसको इंसान बनाता है, और इसमें जो दिलीप ताहिर है, जे का करेक्टर है, वो उसको उसकी माँ से जब छोटा रहता है वो, तो उसकी उसका डैडी गुजर जाता है, बच्चे का 5 साल का बच्चा, उसका डैडी गुजर जाता है, तो उसकी माँ उसको छोटा है, माँ उसको पालती है, तो है उसका हस्बैंड तो रहता नहीं है, फिर उसमें क्या होता है कि
दिलीप ताहिल का जो जेजे है वो प्रॉपर्टी का डीलिंग करता है, हफ्ता वसूली करता है, उसके माँ पे नज़र चले जाता है, उसको स्कूल जाती है तो देख लेता है, वो स्कूल जाती है तो देख लेता है वो, तो फिर दिलीप ताहिल है जेजे पता लगाता है उसके बारे में कि को न तो उसको मालूम पड़ जाता है। तो एक तो उसको लेडीज़ को चाहिए कि एक सहारा, तो कोई सहारा मिलेगा, लेकिन उसको दिलीप ताहिल उसके शरीर पे वाच रखता है और उसको यूज करता है और प्रॉपर्टी उसके पैसे पे। एक दिन उसको बोलता है कि आप बैंक में आ जाओ, वहाँ पे मिलते हैं। ये समझ जाती है धीरे धीरे कि ये मेरे शरीर से प्यार करता है, इसको मेरे से कोई मतलब नहीं है, इसको मेरे से कोई मतलब नहीं है, शरीर से मेरे पैसे से प्यार करता है ये। तो सोचती थी कि तो नहीं आती है बैंक में, तो दिलीप ताहिल उसके घर पे पहुंच जाता है, बोले तुम आई नहीं, तो वो बोलती है कि मुझे मालूम पड़ चुका है कि तुम मेरे से शरीर से और मेरे प्रॉपर्टी से प्यार करते हो तुम। मैं तो सोची थी कि मेरा जो बच्चा है 5 साल का उसको एक सहारा मिलेगा, उसको सहारा मिलेगा और मेरा भी जीवन सही हो जाएगा और बच्चे को भी एक पिता जैसे प्यार मिलेगा, लेकिन तुम मेरे से प्यार नहीं करते हो, तुम प्रॉपर्टी तुमको चाहिए। तो दिलीप ताहिल भी समझ जाता है कि इसको मालूम पड़ चुका है, वो नहीं लिखती है तो उसको मार देता है। तो बच्चे उसको 5 साल का बच्चा रहता है, वो देखता है, उसको वो देखता है, उसके बाद उसकी माँ को मार देता है, ऊपर से जम एक साइड में एक महले से जम करके नीचे आता है बच्चा और फाइट करता है वो दिलीप ताहिल के बॉडीगार्ड से। तो दिलीप ताहिल जब उसका बॉडीगार्ड गन निकालता है उसको मारने के लिए, दिलीप ताहिल बोलता है मत मारो, ये बच्चे में बहुत दम है, उसको उठा के ले जाता है, उसको उठा के ले जाता है, उसको उसको बाहर का कुछ मालूम नहीं है, उसको पालता है वो। और मुद्दा बताइए, वो बड़ा होकर क्या करता है? वो बड़ा होकर उसको एक गाने का एक थीम है उसमें उसको मालूम पड़ जाता है, उसको जॉन है, जॉन उसको पालता है, एक हादसे में मिल जाता है जॉन को, जॉन जो सुदेश बेरी है, हादसे में मिल जाता है उसको, तो सुदेश बेरी उसको पालता है। तो उसको तो मालूम नहीं है कि मेरा माँ कौन है, बाप कौन है, दुनिया में क्या होता है, कुछ मालूम नहीं है उसको। तो जॉन को जब मिलता है सुदेश बेरी को, तो पालता है उसको। और पिक्चर में सुदेश बेरी और उसकी माँ का क्या कनेक्शन है, वो जब आप पिक्चर देखेंगे मूवी, तो वहाँ पूरा खुलासा होता है। अभी मैं पिक्चर का ज़्यादा खोलना नहीं चाहता हूँ। एज अ म्यूजिक लेवल बहुत बहुत खुशी हो रही है कि इतने सारे इंडस्ट्री के लेजेंड्स हैं, अलका याग्निक जी है, ममता शर्मा, रितु पाठक एंड आजीव आजीवन जी, आइए देखो अनूप जी भी आ गए हैं। अनूप जी प्लीज। हमारे पत्रकार भाइयों से धन्यवाद करता हूँ जीसस मदर मेरी माँ को, जो आज ये मौका दिए, पीछे रिलीज होने जा रही है, जीसस मदर मेरी माँ को दिल से धन्यवाद करते हैं, उन्होंने साथ दिया। एक्शन भी सब रियल एक्शन है, कोई वीएफएक्स नहीं है। गाड़ी अगर उड़ रही है तो स्टंटमैन बैठ के गाड़ी उड़ा रहा है, मोटरसाइकिल भी ब्लास्ट हो रही है तो फाइटर उड़ रही है। मेरे को मंजर याद आ रहा है, मेरे को अंदर से एकदम उनका फाइटर में समझते मरते बचे हैं, और सब रियल एक्शन है, ब्लास्टिंग के साथ ब्लास्ट के साथ फाइटर उड़ना रियल एक्शन है। और रिलीज हो रही है जीसस मदर मेरी माँ को धन्यवाद करते हैं। मेरी वाइफ शोभा बादला प्रोड्यूसर, उन्होंने बहुत मेहनत किया है, उन्होंने इतना मेहनत की है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ। बच्चों को भी संभालना, प्रोडक्शन हाउस को भी संभालना, बहुत तकलीफ से और बहुत दर्द से पिक्चर बनी है। मैं शोभा बादला को धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने पिक्चर बना के रिलीज करने जा रही है। मैं तो चलो टेक्नीशियन आदमी सेट पर काम किया, लेकिन शोभा बादला बहुत मेहनत की है वो। I'm sure, एक छोटा गाना भी बनाओ तो उसमें कितनी मेहनत होती है, फ्रॉम लिरिक राइटर टू सिंगर टू म्यूजिक कंपोजर अरेंजर लाइव म्यूजिक देन मिक्सिंग मास्टरिंग, एक गाना बनाओ उसमें कितने लोग और कितनी मेहनत होती है। यू हैव पुट अमेजिंग फिल्म टुगेदर विद सो मेनी लेजेंडरी आर्टिस्ट एंड लेजेंडरी सिंगर्स एंड आई एम सो हैप्पी दैट जेम्स बालाजी एक्सेलेंट वर्क, एंड मुझे लगता है इतने सालों से वो इस इंडस्ट्री में है एंड ये उनका बेस्ट यू नो एज अ डायरेक्टर वर्क है। एंड शोभा जी कॉन्ग्रेचुलेशंस, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर अमेजिंग एफर्ट, एंड आई एम श्योर ये सब लोग आपका ये एफर्ट बहुत दूर तक पहुँचाएंगे, राइट?
पहुंचाएंगे ना. यस यस यस. Sang this song a long ago, but I still remember a few things, you know. Absolutely. And I have arrived from US yesterday morning. Oh wow! So before I sing, I want to offer my respect to dear Anup Jalota ji. While growing up, we have all listened to him, you know. and you know, by I'm also an engineer, by the way. So it's like dual profession that I carry on with. So whatever. जिस मकाम पर मैं पहुंच गया हूं, वो अपने आप में मैं समझता हूं कि ये भगवान की कृपा के बिना ये आदमी नहीं कर सकता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक यू जेम्स जॉन बारला जी टू गिव मी सच ह्यूज चांस एंड स्पीक ऑन विथ मी. ऑल्दो ही हैड फीडबैक फ्रॉम लेट आदेश श्रीवास्तव जी, आई वॉन्ट टू थैंक यू. आई वॉन्ट आई एम रिमेम्बरिंग हिम. ही लॉन्च माई फर्स्ट एल्बम एंड यू नो लॉट इज ड्यू टू हिम. A lot of credit is due to him that I'm sitting here. So, मैं कोशिश करता हूँ. वो जहरीला खंजर, वो ऐसा मंजर, तूफान है जिसके सीने के अंदर चलता शरारा, वो है अंगारा, जब वो चले तो उठता बवंडर. जरा संभल जा, बच के निकल जा, रखनी जान जो बाकी